हाई कोर्ट ने जो पटियाला हाउस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो सेनेट आई हुआ था निश्चित काल के लिए फांसी को टालने का, उसके अगेंस्ट दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार, देखिए दोनों मिलके, भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर यहां पिटीशन डाली गई थी। उसमें मांग कर रहे थे अलग अलग भी फांसी दे दें और कह रहे थे इसमें जल्दी हो जाना चाहिए। वो उनकी पिटीशन जो लगाई थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, उनकी एप्लीकेशन पिटीशन डिसमिस कर दी गई है और पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से सही माना गया है कि वो ठीक है और हमें टाइम दिया गया है कि जो लीगल रेमेडीज हमारी बाकी है हम उनको टाइम बीइंग अपने आगे प्रोसेस करें। देखिए आप जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड के आधार पर न्याय को दफना नहीं सकते हैं, जो मीडिया ट्रायल, पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर में इस केस को दफनाया जा रहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां भी जो याचिकाएं पेंडिंग हैं उनके आधार पर भी डिसीजन होना चाहिए। केवल इसी केस में बिजली की गति से फैसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि 250 दया याचिकाएं पूरे देश की जो इससे भी जघन्यतम है, दया याचिका का मतलब जघन्यतम क्रूरता रही है, तो वो भी पेंडिंग है, उनके आधार पर डिसाइड होना चाहिए और इस आधार पर फैसला होना। आपको एक सप्ताह का जो वक्त दिया तो आप कितना, आप क्या कर रहे हैं? आपके हमें अभी फैसला मिलेगा, फिर हम देखेंगे उसको, हमें आगे क्या फैसला पढ़ेंगे। ऑर्डर अभी ओरल बोला है, हमें ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर को पढ़ के हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जस्टिस हरीड इज ए जस्टिस वरीड, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी प्रेशर में, क्योंकि सरकारों ने योजनाएं ये बनाई जो है, चार लोगों को फांसी देने का आपने प्लान बनाया है, जब कभी लाल किला बम कांड का पाकिस्तानी आतंकवादी दिल्ली सरकार ने जिंदा रखा हुआ है, ऐसे बहुत से आतंकवादी जिंदा हैं, लेकिन ये हमारे देश के होते हुए भी इनको मारने का प्लान, जो फांसी का सरकारी कत्ल करने का जो इरादा बनाया है, उस पर चार लोगों को, एक को मार चुके हैं राम सिंह को, तो चार लोगों के लिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा और संतोष भी करना पड़ेगा।